हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमेश मालवीय। जी हाँ, मेरा नाम उमेश मालवीय है और मैं यूसीएमबी मीडिया का एडिटर इन चीफ हूँ। यादों का सफर के इस विशेष एपिसोड में आज मैं राजनीति जगत की एक बड़ी शख्सियत, एक पूरी मुख्यमंत्री यानी एक्स चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय अजीत जोगी से जुड़ी अपनी यादों को अपने कलेक्शन से यहाँ शेयर करना चाहूँगा। स्वर्गीय अजीत जोगी मेरे कॉलेज मेट रह चुके हैं और इनका पूरा नाम था अजीत प्रमोद कुमार जोगी और इनका जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के पेंड्रा रोड स्टेशन के पास जोगीसार गांव में 29 अप्रैल 1946 को हुआ था। जिस घर में इनका जन्म हुआ आज उसे जोगी निवास के नाम से जाना जाता है, जो इस मेधावी व्यक्ति के बचपन के नटखट दिनों का गवाह है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज देश के लीडिंग एनआईटीज में शामिल है, इसमें पढ़ते हुए मेरी अजीत जोगी जी से पहचान हुई थी। वैसे तो अजीत जोगी कॉलेज में मुझसे एक साल जूनियर थे, पर हम दोनों ही की ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होने से हम दोनों डिपार्टमेंटल लैब में अक्सर मिल लेते थे और हम दोनों इस विभाग के प्रमुख डॉक्टर छाबलानी एचओडी के प्रिय विद्यार्थियों में गिने जाते थे, क्योंकि अपने अपने क्लास में हम दोनों हर वर्ष फर्स्ट आते थे। अजीत जोगी जी से मेरी ज्यादा घनिष्ठता तब हुई जब मैं 1965-66 के दौरान इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। इस वर्ष स्टूडेंट काउंसिल यूनियन में हमें प्रमुख पद दिए गए, मुझे प्रेसिडेंट और अजीत को सेक्रेटरी का पद। तब हम दोनों ने कॉलेज की कई गतिविधियों का साथ साथ आयोजन किया और हम दोनों की जुगलबंदी ने कॉलेज में कई सफल सांस्कृतिक और खेलकूद से संबंधित प्रोग्राम्स को अंजाम दिया। सन 1965 में कॉलेज कैंपस में आयोजित यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज एथलेटिक्स स्पोर्ट्स मीट हमारे लिए एक चुनौती से भरा समारोह था, जो 3 दिनों तक यानि 2, 3 और 4 दिसंबर 1965 तक जारी रहा। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर श्री एसएन शुक्ला ने किया था। श्री शुक्ला फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा मध्य प्रदेश शासन के कई वीआईपीज ने इस समारोह में शिरकत की थी, जैसे पीडब्ल्यूडी के उस समय के चीफ इंजीनियर मिर्जा फहीम बेग इत्यादि। उस जमाने में शहर की एक बड़ी शख्सियत बेगम भोपाल का मैंने और अजीत जोगी ने जब साथ साथ स्वागत किया तो वह भी एक यादगार लम्हा बन गया। समारोह के आखिरी दिन 4 दिसंबर 1965 को इस भव्य समारोह का समापन मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री केसी रेड्डी ने किया। राज्यपाल महोदय ने तमाम एथलीट्स के साथ मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनके साथ कई फोटो भी खिंचवाए और कॉलेज स्टाफ को भी इस समारोह की कामयाबी के लिए बधाई देकर उनका उत्साह बढ़ाया। अजीत जोगी और मुझे इस समारोह को सफल बनाने के लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ी और उसके आखिरी दिन उस जमाने में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन नवाब पटौदी जब कैंपस में आए तो हमें मनमांगी मुराद मिल गई। उस समय अजीत तो क्रिकेट में बहुत रुचि लेते ही थे और कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे तो पटौदी को पुष्पहार पहनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के बाद अजीत ने मुझसे कहा कि हम दोनों को पटौदी के साथ एक एक्सक्लूसिव यादगार फोटो जरूर खिंचवाना चाहिए। यह सुनते ही मैंने कहा, अरे यार, ये तो बहुत ही उम्दा विचार है। बस फिर क्या था, हम दोनों पहुंच गए पटौदी के पास और अपनी इच्छा जाहिर कर दी और यही चित्र आपके सामने है।
इस चित्र में अजीत जोगी की आंखों की चमक को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा वे क्रिकेट और क्रिकेट खिलाड़ियों को कितना पसंद करते थे। उस जमाने में अजीत जोगी थोड़े बहुत शर्मीले भी थे। कुछ प्रोग्राम्स में तो अजीत कई बार मुझे माइक के सामने धकेल कर आगे कर देते थे, यह कहकर कि अब तुम बोलो। उनके साथ गुजारे दिन और अतीत की यादें आज भी बस एक अनजाना सा सुकून देती हैं। मुझे याद आता है उनके पास एक साइकिल थी जिसे वो बहुत ही मेंटेन करके रखते थे, और मुझे भी कभी कभी कॉलेज कैंपस में साइकिल के पीछे बिठा लिया करते थे। पढ़ाई लिखाई में अजीत मेधावी तो थे ही, बातचीत और व्यवहार में भी जूनियर और सीनियर्स सबसे बड़ी विनम्रता से पेश आते थे। कॉलेज में कभी भी किसी को उनके बारे में गलत आलोचना करते मैंने नहीं सुना। 1966 के बाद क्या हुआ सुनिएगा। जी हाँ, 1966 में भोपाल के इसी NIT से टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल कर मेरी पोस्टिंग झारखंड के FCI सिंदरी में हो गई। सिंदरी में ही मेरी ट्रेनिंग के दौरान 1967 में अजीत जोगी दो दिनों के लिए इंटरव्यू देने के लिए सिंदरी पधारे और FCI हॉस्टल के मेरे कमरे में ही रुके। अपने अपने बैच के हम दोनों गोल्ड मेडलिस्ट तो थे ही, पढ़ाई लिखाई और कॉलेज की दिनों की बात करते करते कब दिन गुजर गया पता ही नहीं चला। दूसरे दिन इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ FCI में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, पर अभी यहाँ ज्वाइन करूँ या नहीं ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के देने के बाद ही कुछ फैसला कर पाऊँगा। इसके उपरांत सिंदरी से विदा लेने के बाद मेरा कई सालों तक अजीत जोगी से संपर्क नहीं हो पाया। बस इतना मुझे जरूर पता लगा कि वे IAS और IPS जैसी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में कामयाब होने के पश्चात इंदौर में कलेक्टर के पद पर लगातार 15 वर्ष रहे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके बाद धीरे धीरे राजनीति की राह पकड़कर MLA और MP भी रहे और राजधानी दिल्ली चले गए और फिर बाद में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हो गए। और इधर मैंने भी देश विदेश के विभिन्न रासायनिक कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी के इंस्ट्रूमेंटेशन और डिजिटल प्रोसेस कंट्रोल को अपना कर्म क्षेत्र बनाकर फिर अपनी दूसरी पारी में पत्रकारिता और मीडिया को अपना लिया, जो अब तक जारी है। अजीत जोगी से मेरी अंतिम मुलाकात रायपुर में जनवरी 2001 में उनके बंगले पर हुई, जब वे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री थे। अपने बंगले में उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु और सुपुत्र अमित के साथ मेरा और मेरी पत्नी का स्वागत किया। करीब 34 साल बाद भी मुझे अजीत में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया, वही मृदु मुस्कुराहट और वही अपनापन। इसमें कोई शक नहीं कि अजीत जोगी ने अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरशाही और प्रशासनिक कार्यों और राजनीति जगत में हर जगह अपनी काबिल प्रोफेशनल पकड़ से एक इतिहास रच दिया और हर तरह के नेताओं के दिल में जगह बना कर रहे। अजीत जोगी को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। 1968 में IPS एकेडमी में उन्हें घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी मिला था। इसीलिए वे भली भांति जानते थे कि प्रशासन उस शक्तिवान किंतु बेलगाम घोड़े की तरह होता है जिसे सुचारू रूप से दौड़ाने के लिए एक कुशल घुड़सवार की आवश्यकता होती है। अगर राजनेता कुशल घुड़सवार नहीं होगा तो उसे कभी भी घोड़ा रूपी प्रशासन गिराकर फेंक देगा, और इसी कारण मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रशासन पर अभूतपूर्व पकड़ थी। 29 मई 2020 को अजीत जोगी के निधन के बाद देश ने एक अति विनम्र और काबिल नेता खो दिया, और मैंने एक हसमुख जिंदा दिल और मिलनसार कॉलेज सखा खो दिया, जिनकी तो अब बस यादें ही शेष है।
दोस्तों, यादों का सफर के अपने पिछले अलग अलग एपिसोड्स में मैं कई बड़ी शख्सियतों के साथ अपनी मुलाकातों के यादगार लम्हे शेयर कर चुका हूँ, जिसे हजारों दर्शकों ने देखा और पसंद किया है। और हमें आप सबके उत्साहवर्धक कमेंट्स मिलते ही जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे भी अपनी इस UCMB चैनल पर और भी कई बड़ी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के रोचक संस्मरण प्रस्तुत करता रहूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कलेक्शन के फोटो, वीडियो आदि से भरपूर क्रिएशंस को आप अवश्य पसंद करते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।